नमस्कार दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेके आई हूँ। चलिए देर ना करके जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो को। दर्शक बंधु, हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को बुखार क्यों होता है? वो तो श्री श्री प्रभु श्री जगन्नाथ है, उनको फिर बुखार क्यों होता है? चलिए इसी कहानी के आधारित पर हम ये कहानी शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, आप जानते होंगे देव स्नान पूर्णिमा के समय पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को स्नान किया जाता है, तभी उनको बुखार आ जाता है और 15 दिन तक बुखार रहता है। तभी उनका विशेष रूप से सेवा किया जाता है। उनका पंडा और पंडित और सब सेवायत उनकी सेवा में लग जाते हैं। तभी विशेष रूप से खाना दिया जाता है, हल्का फुल्का खाना दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, विशेष औषध दिया जाता है। फिर जब उनका तबीयत ठीक हो जाता है, फिर रथ यात्रा आरंभ होती है। दर्शक बंधु, आप लोग सोचते होंगे कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी को बुखार आता है, वो फिर 15 दिन तक, वो तो प्रभु श्री जगन्नाथ है, उनको फिर क्यों बुखार आता है? इसके पीछे भी दर्शक बंधु एक कहानी है। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूँ। ये भक्त और प्रभु के बीच की कहानी है। दर्शक बंधु, प्रभु श्री जगन्नाथ बोल रहे थे, अगर मेरे भक्त को बुखार आ सकता है, वो पीड़ा सह सकता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों बुखार नहीं आ सकता, मैं क्यों पीड़ा नहीं सह सकता? चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रभु श्री जगन्नाथ और माधव दास की। माधव दास प्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। वह हर दिन रात सुबह शाम प्रभु श्री जगन्नाथ जी को भक्ति करते रहते थे, उनकी गुणगान करते रहते थे, उनकी भजन में लीन रहते थे। एक बार माधव दास को बहुत जोर का बुखार आया, फिर वो तबीयत उनका बहुत खराब हो गया और वो उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, बहुत पीड़ा उनको होने लगा। उनके पास भी उनके अपने कोई नहीं थे उनके देखभाल करने के लिए, वो दिन रात खुद का काम खुद ही कर लेते थे। जब उनके आस पड़ोस के लोग जब आए उनके पास और कुछ काम करने के लिए बोलते थे, तब माधव दास जी उनको बोलते थे, नहीं मैं खुद करूँगा, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। और वो बोलते रहते थे, प्रभु श्री जगन्नाथ जी है ना, वो मुझे सहयोग करेंगे, मेरे तबीयत को जल्दी से ठीक कर लेंगे और मेरे समस्या को दूर करेंगे। और प्रभु श्री जगन्नाथ जी का लीला तो अपरंपार है। फिर माधव दास जी का इतना तबीयत खराब हो गया कि वो अपने बिस्तर पे ही मल मूत्र करने लगे। फिर जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी ये सब देख नहीं पा रहे थे कि उनका इतना बड़ा भक्त अभी इतना उसका तबीयत खराब है कि वो बिस्तर पे ही ये सब कर रहा है। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी माधव दास जी के पास आ गए और उनकी सेवा में लग गए। उनके मेले वस्त्र को भी वो साफ कर रहे थे और बहुत उनको प्यार से उनको तबीयत सही होने तक उनका सेवा करते रहे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि माधव दास जी धीरे धीरे ठीक होने लगे और जब वो अच्छे से ठीक हो गए और देखने लगे कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर वो जोर जोर से रोने लगे, हे प्रभु, आप मेरे सेवा क्यों कर रहे हो, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाए, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं, आप मेरे सेवा क्यों कर रहे हो? और बोलने लगे, हे प्रभु, आपका तो सेवा संसार के सब करते हैं, लेकिन आप मेरा सेवा कर रहे हैं, आप तो चाहते तो आप मेरी तबीयत ठीक कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा ना करके आप मेरी सेवा कर रहे थे, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया प्रभु? ऐसे माधव दास जी बोलते रहे। और माधव दास जी ये भी बोलने लगे कि हे प्रभु, आप तो चाहते तो मुझे ठीक कर लेते, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप मुझे ठीक नहीं किए, लेकिन मेरा सेवा करते रहे। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी बोले, हे माधव, मैं चाहता तो तुम्हें ठीक कर लेता, लेकिन
मैं तुम्हारा कष्ट देख नहीं पाया। तुम इतने कष्ट में थे, मैं सहन नहीं कर पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया तुम्हारा सेवा करने के लिए। और प्रभु श्री जगन्नाथ जी बोले, हे माधव, मैं चाहता तो तुम्हें ठीक कर लेता, लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है वो होता ही रहता है। अगर तुम इस जन्म में इसको भोग नहीं किए होते, फिर तुम्हें और एक बार जन्म लेता पड़ता और फिर से तुम्हें इस तरीके से पीड़ा सहन करना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त फिर से ऐसे पीड़ा पाए और फिर से बुखार में गिरे, फिर से इतना कष्ट उठाए। इसीलिए हे माधव, मैं तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारा सेवा करने लगा। हे माधव, लोग बोलते हैं कि भगवान दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भगवान दुख देते हैं उसको सहन करने के लिए, उसको सहन करने के लिए शरीर भी देते हैं और उस कष्ट को उठाने के लिए साहस भी देते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है वो होना ही होता है। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी बोले, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे भक्ति किया और मेरे गुणगान दिन रात तुम बैठकर करते रहे। तुम मेरे परम भक्त हो। अगर तुम्हें कुछ पीड़ा होगी, तुम्हें बुखार आएगा, तुम्हें कुछ कष्ट होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हे माधव, तुम्हारा और 15 दिन का बुखार अभी बाकी है, तो मैं फिर से तुम्हें इतनी पीड़ा में नहीं देख पाऊंगा। तुम मुझे वो 15 दिन का बुखार मुझे लौटा दो। इसी तरीके से प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने माधव जी से अपना बुखार ले लिया और 15 दिन तक उनको बुखार हुआ प्रभु जी जगन्नाथ जी को। पुराण काल से ये होता आ रहा है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी को 15 दिन तक बुखार रहता है, तभी उनका पूजा भी बंद रहता है। फिर 15 दिन तक पंडित उनका सेवा करते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और उनको काढ़ा दिया जाता है और हल्का फुल्का खाना दिया जाता है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेके आऊँगी। धन्यवाद।